मुझे खुशी यह है कि ये सी पैक का जो बेल्ट एंड रोड का जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का उसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड का वो है सी पैक। और सी पैक के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए, लेकिन माशाल्लाह ये फिर से हमारी तेज़ी से हमारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो JCC की मीटिंग हुई जिसमें अभी एम्बेसडर नॉन रोंग ने बताया कि इसके अलावा पहले तो सिर्फ था जनरेशन, फिर सड़क थी, फिर अब ये ट्रांसमिशन है और इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी पुरानी हो चुकी हैं जिसमें लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो पेस्को के इतने लाइन लॉसेस हैं कि हमें हमारे पास बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुँचा सकते लोगों तक क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी हो चुकी हैं और इससे बहुत बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आप स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन लाइन्स अगर आपको सामने नज़र आ गया कि कहाँ 17% लाइन लॉसेस और कहाँ 4% पे आ गई, तो इंशाल्लाह ये हम इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बाकी भी ट्रांसमिशन लाइन्स पे। और अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क में वो दौलत नहीं आ सकती जिससे हम जो हमने कर्जे चढ़ाए हुए अपने ऊपर वो कर्ज़ वापस कर सकें। वो जब तक वेल्थ क्रिएशन होगी, दौलत में इजाफा होगा ही तो हम कर्जे वापस करेंगे। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से और फिर एग्रीकल्चर जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है उसमें नई टेक्नोलॉजीज ला के उससे अपनी इंशाल्लाह दौलत में इजाफा करेंगे और उससे फिर हम अपने कर्ज़ों का जो बोझ है वो नीचा करेंगे। तो ये जो सी पैक है इसकी जो रफ्तार है वो इंशाल्लाह तेज़ होगी। बीच में हमें मसले आए और जिस तरह मैंने कहा कि कोरोना की वजह से बड़े मसले आए क्योंकि सारी कम्युनिकेशन रुकी, एक बार ट्रैवल बैंस हो गए हैं, सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई, दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो ये आर्जी तौर पे है, इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और फैलती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है तो उससे इंशाल्लाह सी पैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पर मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी।